डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारा एक कंटिन्यूशन वीडियो जो कि बेस्ड है सुपर एमए 100 स्ट्रेटजी पे। सुपर एमए 100 स्ट्रेटजी पे हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था जो कि हमने 10 जनवरी को यूट्यूब पे अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर हमने निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यह स्ट्रेटजी आपको समझाई थी, क्योंकि यह होल्डिंग की स्ट्रेटजी है जो कि सिर्फ फ्यूचर पे काम करेगी, तो इसके लिए आपको पिछले 9 महीने की वेब टेस्टिंग भी हमने आपको करवाई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले जाके वह वीडियो देख लीजिए ताकि इस स्ट्रेटजी को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा ताकि आप वह वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी यह कंटिन्यूएशन वीडियो। इसको मैं फिर से लॉजिकली समझा देता हूं कि यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। सुपर ईएमए 100 स्ट्रेटजी, यह स्ट्रेटजी पूरी तरीके से ईएमए 100 के ऊपर बेस्ड है। यह दो इंडिकेटर से मिलकर बनी होती है। पहला हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और दूसरा हमारा सुपर ट्रेंड है। ईएमए के अंदर हमने 100 का लेंथ लिया है, सुपर ट्रेंड के अंदर एटीआर लेंथ हमने 9 की ली है और फैक्टर हमने 2.5 का लिया है। इस स्ट्रेटजी के पीछे जो लॉजिक है वह क्या है? यह एक मिक्स लॉजिक पे काम करती है जो कि ईएमए 100 और सुपर ट्रेंड का मिक्स लॉजिक है। तो दोस्तों, इतना आप समझ चुके हैं कि ईएमए स्ट्रेटजी, ईएमए 100 स्ट्रेटजी क्या है और इसको कैसे यूज में लेके आते हैं। तो दोस्तों, अब आई है इसके ऊपर मिलने वाले सिग्नल्स की कि इसके अंदर सिग्नल्स हमें कैसे मिलते हैं, हमें बाई कब करना है। जब हम देखते हैं कि प्राइस हमारा 100 की ईएमए के ऊपर आ चुका है और सुपर ट्रेंड अब ग्रीन जोन में है, तब हम बाई की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमें यह सेल कब करना है? सेल के लिए हम देखेंगे कि हमारा प्राइस 100 की ईएमए के नीचे होना चाहिए और सुपर ट्रेंड हमारा रेड कलर के जोन के अंदर होना चाहिए, मतलब रेड जोन में होना चाहिए। तो अब बारी आती है दोस्तों, यह स्ट्रेटजी के अंदर एग्जिट कैसे मिलेगा? जब हम इसके अंदर बाइंग बना लेंगे या सेलिंग बना लेंगे तो उसके अंदर हमारा एग्जिट क्या रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्ट्रेटजी होल्डिंग वाली स्ट्रेटजी है, तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस भी एग्जिट के द्वारा ही दिया जाएगा। मतलब जब आप इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको सिर्फ एग्जिट मिलेगा, आपको वहां पे अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो इसके अंदर हमें एग्जिट कब करना होता है? जब हम देखते हैं कि हम बाइंग के अंदर हैं। अगर हम बाइंग के अंदर होते हैं तब हमें एग्जिट के लिए देखना होगा कि हमारा सुपर ट्रेंड रेड जोन के अंदर होना चाहिए। मतलब हमारा सुपर ट्रेंड जब रेड जोन के अंदर होता है वहां पे हमें एग्जिट मिलेगा। मतलब जैसे ही सुपर ट्रेंड की एंट्री रेड जोन के अंदर होती है हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर हम सेल के अंदर होते हैं तब हमें एग्जिट कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, जब सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का होता है, मतलब जब हम सेलिंग के अंदर होते हैं और वहां से सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाए, तब हमें सेलिंग से एग्जिट कर लेना होगा। तो दोस्तों, यह हुई स्ट्रेटजी की बात, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कैसे बाई सेल मिलता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट पे, जो कि 15 मिनट का चार्ट हम यूज करेंगे और हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। यहां पे हमने सुपर ईएमए 100 लगा दी है। 15 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का चार्ट होना चाहिए। निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट हम यूज कर रहे हैं और हमने स्ट्रेटजी इसमें लगा दी है। अगर आप इसके अंदर मैनुअल कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास यह स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप इसके अंदर ईएमए 100 और सुपर ट्रेंड दोनों को यहां से लगा सकते हैं। यहां पे आप इंडिकेटर में आइए, टेक्निकल्स में जाइए, यहां पे सुपर ट्रेंड सर्च कीजिए, उसके बाद आपको वहां पे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप सुपर ट्रेंड को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप ईएमए 100 को ऐड कीजिए, यहां पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए सर्च करेंगे तो यहां पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल निकल के आ जाता है। यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वह स्ट्रेटजी यहां पे मिल जाएगी। तो दोनों स्ट्रेटजी को आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेटिंग में जाके उनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, इनपुट होती हैं, उनके अंदर आप सुपर ट्रेंड के अंदर ये दो वैल्यू सेट कर दीजिएगा और ईएमए के अंदर आप 100 की वैल्यू रख दीजिएगा जो बाय डिफॉल्ट 9 की होती है। तो दोस्तों,
हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास यह स्ट्रेटजी है। तो इसके अंदर यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आइए यह समझते हैं। तो मैं आपको सीधा स्टडी टेस्टर के अंदर ले आया हूँ। स्टडी टेस्टर के अंदर यह स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट दे रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने सेटिंग्स कर ली है, प्रॉपर्टीज के अंदर आना है। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो एक लोट का साइज है वह 50 का है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर साइज अपना 50 रखेंगे और इसको हम सेव एज डिफॉल्ट कर देते हैं और इसको ओके कर दिया है। अब आपको स्टडी टेस्टर के अंदर लेके चलता हूँ। यह हमारा प्रॉफिट है, पिछले 9 महीने का प्रॉफिट है दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे हमें सिर्फ 9 महीने का बैक टेस्टिंग देखने को मिलता है। तो हमारा 9 महीने का बैक टेस्टिंग प्रॉफिट ये वाला है 1,07,914 रुपए, यह हमें पिछले 9 महीने के अंदर मिला है। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देख लीजिए, लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हमें 144 ट्रेड्स मिली हैं पिछले 9 महीने के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 10 जनवरी तक आपको बैक टेस्टिंग करवा दिया है, तो मैं आपको 10 जनवरी के बाद आने वाली भी जो भी ट्रेड्स हैं उनकी बैक टेस्टिंग इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए हमें 10 जनवरी को कौन सी ट्रेड्स मिली थी। हमें 10 जनवरी को 140 नंबर ट्रेड मिली है, इसके अंदर हमें 901 रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद हमें 12 जनवरी को ट्रेड मिली है और 16 जनवरी को एग्जिट करवाया है, इसमें हमें 13,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद 12,337 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 17 जनवरी से 18 जनवरी को जो ट्रेड मिली है उसके अंदर। उसके बाद हमें एक लॉस हुआ है 4,897 रुपए का, जो हमें 20 जनवरी की ट्रेड में हुआ है जो कि आज का है। इसके बाद हमें एक ट्रेड मिली हुई है और इसका हमें एग्जिट अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों ये हमारी 5 से 6 ट्रेड्स हैं जिनकी स्टडी हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। मैं आपको 10 जनवरी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। यह हमारा 10 जनवरी का चार्ट आ चुका है दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो यह ब्लू कलर का एरो जहां पे मिलता है वहां पे हमें बाइंग मिलती है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम स्ट्रेटजी के अंदर ये ब्लू कलर द्वारा हम अपना बाइंग का सिग्नल जनरेट करते हैं और पर्पल कलर द्वारा हम एग्जिट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें बाइंग मिली है, मैं आपको एरो से भी मार्क कर देता हूं। यहां पे हमें 10 जनवरी को बाइंग मिली थी और यहां पे अगर हमने बाइंग किया होता तो हमारा टारगेट कहां तक का होता मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हमें बाइंग मिली है क्योंकि जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन के अंदर चेंज हुआ यह हमारी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा प्राइस ईएमए 100 का जो लाइन है, ईएमए 100 का लाइन दोस्तों यह ब्लैक कलर का लाइन है, इसको काट के जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दे देता है हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। यहां पे हम प्राइस रेंज लगा के देख लेते हैं कि हमारा प्राइस कितना है। यहां पे हमें ट्रेड मिली और यहां पे एग्जिट हो गया, मतलब इसके अंदर हमें 2 से 3 पॉइंट का लॉस हुआ है। मतलब देखिए यहां पे 2.45 रुपए का हमें इसके अंदर लॉस हुआ है, यहां पे इसने एग्जिट दे दिया। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, यहां पे हमें बाइंग मिलती है, ये हमारा बाई है, यहां पे हमें बाइंग मिला था और यहां पे हमें एग्जिट मिल चुका है। ये पर्पल कलर का एरो आपको एग्जिट का एरो शो करेगा, ये इसको पर्पल कलर द्वारा मैं दिखा रहा हूं। यहां पे मैं सेल लिख देता हूं, यहां पे हमें बाइंग मिली थी और साथ के साथ इसमें एग्जिट भी करवा दिया है। यहां पे एग्जिट के टाइम आपको देखना होगा क्योंकि आप यहां पे मैनुअल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो आपको यह सिग्नल जनरेट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि यहां पे जैसे देखिए ये हमारा सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड जैसे ही ग्रीन से रेड के अंदर चेंज हुआ यहां पे उस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एग्जिट मिल गया। तो दोस्तों ये हमारा बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स हैं, इनके अंदर आपको ट्रेड मिलती है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ट्रेड की, 15 मिनट के चार्ट पे और निफ्टी 50 के अंदर हम अगर फ्यूचर बाई करते हैं तो हमें कैसा प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहां पे देखिए हमारा फिर से ट्रेड हमें मिला है और एक ही ट्रेड के अंदर हमें 288 पॉइंट्स मिल गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। हमें इसके अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है करीब 1,20,000 रुपए। तो दोस्तों 1,20,000 रुपए अगर हमारे पास हैं तो हम फ्यूचर के अंदर निफ्टी के फ्यूचर के अंदर बाइंग कर सकते हैं,
लेकिन हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है, तो 30,000 रुपए हम मार्जिन लेके चल सकते हैं। अगर हम अपने अकाउंट के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए रखते हैं तब हम इस स्ट्रेटजी के अंदर काम कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एग्जिट प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे ही ग्रीन कलर से सुपर ट्रेंड रेड होता है, यह स्ट्रेटजी एग्जिट दे देती है। अब आरी आती है हमारी अगली ट्रेड की। अगली ट्रेड हमारी सेल की ट्रेड है, जो हमारी यहां पे इनिशिएट होती है और यहां पे एग्जिट मिलता है। यहां भी हमें 263 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है क्योंकि हम यहां पे सेल में थे। उसके बाद हमें यहां पे ट्रेड मिलती है जो कि हमारी एक स्टॉप लॉस की ट्रेड है। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, 81.80 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहां पे हमें एग्जिट मिला है रेड कैंडल द्वारा। यहां पे रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एग्जिट मिला है। जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड होता है हमें बाइंग से एग्जिट मिल जाता है। और हमारी उसके बाद लास्ट ट्रेड जो हमारी चल रही है वह हमें यहां पे सेलिंग सिग्नल जनरेट कर चुकी है। यहां पे देखिए, यहां पे हमें सेलिंग मिली हुई है और इसका एग्जिट अभी आया नहीं है दोस्तों। अभी यह ट्रेड हमारी 62 रुपए प्रॉफिट के अंदर है। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको इसकी भी बैक टेस्टिंग दिखा देंगे। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्ट्रेटजी हमसे शेयर करना चाहते हैं या उसका कोई एल्गो बनाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है algoguru84, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसके ऊपर आप ईमेल करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, धन्यवाद। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।